वैसे अगर आपको किसी की शादी का संगीत अटेंड करना है, दिस इज नॉट द लुक फॉर इट. हाँ, कॉकटेल और रिसेप्शन की बात हो तो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ शॉट. बहरहाल संगीत तो हो रहा है रुद्र और प्रीशा का, ये है चाहते में. लेकिन चिंता मत कीजिए, इनकी चाहतों को अपनी मंजिल पाने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, क्योंकि बीच में आ जाएंगी रेवती की साजिशें. प्यार से रुद्र अपनी प्रीशा को तैयार कर रहा है, और तैयार करे भी क्यों ना. आखिर आज रुद्र और प्रीशा का संगीत जो है, इस संगीत में ये दोनों झूम कर नाचेंगे, और हाँ, अपने प्यार को एक दूसरे से बयां भी करेंगे. पहले प्रीशा की ओर से तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रुद्र के मन में मलाल था, क्योंकि प्रीशा ने उसे झूठ जो कहा था. लेकिन अब मन से सारे मलाल निकल गए हैं, तभी तो इस संगीत के लिए ये एकदम तैयार है अपने परिवार के साथ. हम सब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि परिवार आज बहुत दिनों के बाद खुशियां मना रहा है. कि आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही, हम इतने खुश हैं कि हमने डिसाइड किया कि हम एक डांस परफॉर्मेंस करेंगे, और इसके पीछे भी कुछ न कुछ प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग एंड प्लानिंग रेवती की. लेकिन उसने वो प्लानिंग करके बाकायदा टाइम पे आ गई है स्टेज पे मैडम डांस करने. और उधर जरा रेवती को देखिए जो स्टेज पर आ पहुंची है डांस करने के लिए. अब ये मैं समझना कि इस संगीत में एक कुछ ऐसा वैसा ड्रामा नहीं होगा, इसके बिना तो काम बनेगा ही नहीं. जो काम उसे करना है ना, वो कर आई है यहाँ पर रेवती. मानना पड़ेगा प्लानिंग कुछ भी हुई, लेकिन डांस इनने बहुत अच्छा किया है. आप क्या कहना? डाउट नहीं होना चाहिए ना, इसलिए मैं भी डांस परफॉर्मेंस कर रही हूँ. वैसे मैं सबको थोड़ा सा गुमराह कर रही हूँ, बिल्कुल पीछे सब लगे हुए हैं मेरे लोग काम पे. अब रेवती ने प्रीशा की सासू माँ को अपना निशाना बनाया है रुद्र और प्रीशा को अलग करने के लिए. मम्मी जी बेचारी समझ ही नहीं पा रही हैं कि आजकल उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो कौन करवा रहा है. अब देखिए, जब तक शादी नहीं हो जाती है ना, तब तक टेंशन भरा माहौल तो रहेगा, क्योंकि शादी के टाइम ही तो पता चलेगा कि इन सब के पीछे रेवती का हाथ है. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.